सब्सक्राइब करें गार्निंग बॉय यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल का आइकन और उसे सेलेक्ट करें ऑल पे ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सभी दोस्त तो आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मोगरे के प्लांट पे। तो हमारे बहुत दोस्तों की कमेंट आते हैं कि हमारे मोगरे का जो प्लांट है उस पर ज़्यादा फ्लावर नहीं आते हैं और उनका प्लांट घना भी नहीं है। तो आज उसी के बारे में आपको कुछ टिप दूंगा। तो देखिए पहले तो मेरे मोगरे का प्लांट आप देख लीजिए, यहाँ कितने फ्लावर देखिए गिरे हुए पड़े हैं। तो दोस्तों मोगरे का प्लांट पे जब फ्लावर आते हैं तो वो एक दिन से ज़्यादा नहीं टिकते हैं और वो फिर नीचे गिर जाते हैं। तो देखिए मेरे मोगरे पे बहुत ही सारे फ्लावर जो थे लगे हुए थे, ये देख सकते हैं आप, इन पर से फ्लावर जो है नीचे गिर गए हैं। तो ये देखिए कलियां हैं, ये भी कुछ दिन बाद जो है खिल जाएंगी। तो दोस्तों यकीन मानिए आप मोगरे का अगर एक प्लांट ही लगा रहे हैं तो आपका जो टेरेस है जो छत पर है वो पूरी छत को महका देता है। तो ये देखिए गुच्छों जो गुच्छे होते हैं उसके सूरत में इसमें लगते हैं फ्लावर। तो आज इसी के बारे में आपको ट्रिक दूंगा। पहले देखिए मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी तो आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो आप जब प्रूनिंग करते हैं तो आपका जो प्लांट है बहुत ही घना हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे प्रूनिंग की तो यहाँ से एक ब्रांच निकली है कि यहाँ से निकली है, दो ब्रांचें निकल गई। उसी तरह देखिए इधर भी मैंने एक ब्रांच काटी तो यहाँ से दो ब्रांचें निकली। अगर आप एक ब्रांच काटते हैं तो उस वहाँ से कई ब्रांचें निकल आती हैं। तो ऐसे में जितनी ब्रांचें होंगी उतने ही ज़्यादा उस पर फ्लावर लगेंगे। तो देखिए मैं इसे बरसात के समय भी कट करूँगा यहाँ से। तो और देखिए इसकी जो मिट्टी की अगर बात करें तो इसकी मिट्टी हमें देखिए एसिडिक रखनी है। तो आप इसमें फिटकरी का पानी थोड़ा सा मिला के इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जब भी कोई इसमें फूड देंगे तो वो हमारा प्लांट तुरंत ले लेगा। तो देखिए इसकी मिट्टी जो है कि आपको इसमें नमी रखे रहना है, आपको इसमें नमी रखना है, पर इसका मतलब ये भी नहीं आप इसमें ओवर वाटरिंग कर दे। तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, आप हो सके तो गमले की मिट्टी इस तरह से बनाइए ताकि उसमें जब भी पानी जाए तो ज़्यादा पानी हो तो वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। तो आपको बस इन्हीं चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। और देखिए इसके पत्ते कितने ग्रीन हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।